सज्जन पवार जी, आप जब घरों से निकलती हैं और क्षेत्र के अंदर जाती हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करता है महिला को समझाने के लिए? घर से जब हम बाहर निकलते हैं वैसे तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन महिलाएं थोड़ा बाहर निकलती हैं, उनके घर की पारिवारिक स्थितियां होती हैं, लेकिन उनको हम समझाते हैं कि परिवार भी, आप परिवार मेरा भी है आपका भी है, परिवार की व्यवस्थाएं, एक हमें अपना समय नियोजित करना पड़ता है हर चीज़ को लेके, लेकिन मन में अगर इच्छा हो तो सब कुछ संभव है, महिलाओं हो या पुरुष हो, अगर बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, अगर हर क्षेत्र में आज पुरुष हमारे बाहर निकलते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं निकल सकती? क्या सिर्फ महिलाओं को अधिकार चाहिए, कर्तव्य नहीं है उनके? तो कहीं ना कहीं महिलाओं में कर्तव्य की भावना, उनमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का भी हम प्रयास करते हैं। हाँ, महिलाओं को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हम उनको पूरी कोशिश करते हैं अपने विचारों से समझाने की, और वो जागरूक हो भी रही हैं, जिसका रिजल्ट आपको आज इस रैली में दिखाई देगा। कादियान जी, जैसा आपने बताया कि हम निकाल रहे हैं और जब आप घर से निकलती हैं तो आपका परिवार के साथ में आपका कैसा व्यवहार है, आपके हस्बैंड का या और जो आप जिन पर निर्भर हैं या जो लोग आप पर हैं? नहीं, मेरे परिवार में बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ मेरे परिवार से कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। कई लोग, यह सवाल आपने अच्छा किया कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैडम, आप रोज़ क्षेत्र में निकले रहते हो, क्या आपका घर परिवार नहीं है या कौन संभालता है? ऐसी बात नहीं है, मेरा परिवार बहुत अच्छे से सुखी है, हस्बैंड भी जॉब में है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े ही हैं, 12th में है बेटा, बेटी भी सेकेंड ईयर में है और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट है। मैं सोचती हूँ कि इस समय एक हमारी व्यवस्था, समय ऐसा आ जाता है कि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, जिम्मेदारी कम हो जाती है थोड़ा सा, तो उस समय हमें ऐसे तो आप कभी भी समझ लोगे कि कभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो गए, कल को नौकरी होगी, तो आप कभी भी समाज के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। तो आज आपके पास समय है और बच्चे बड़े हैं, हमारे पास जिम्मेदारी घर की थोड़ी कम है, तो हम उस समय को समाज के लिए हम लगा सकते हैं, मेरा मानना ये है। बाकी कोई और क्या मानता है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे परिवार में सब ठीक है और हस्बैंड मुझे इस चीज़ में पूरा सहयोग करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार का कि जब भी मेरे कभी मैंने प्रोग्राम किए हैं तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब कि ये मैडम दिल्ली प्रदेश की खड़ी हैं, तो मैंने दिल्ली में अपने 2 प्रोग्राम किए थे, मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में यहाँ रहता है। तो ऐसी बात नहीं, अगर आपका मिशन अच्छा है, सकारात्मक आपका कार्य है, तो सब आपको सपोर्ट करते हैं, जिसने नहीं करना सर उसके बहाने हैं ये। ठीक है मैडम, कभी आपके सामने ऐसी परेशानियाँ आई हैं कि जब आप काम कर रही हैं और काम करते करते आपको इस तरीके का होता है कि यार मैं कहाँ ये फंस गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो समाज जहाँ था वहीं रहना चाहिए? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे को, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलती हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ये हर तरह के व्यवहार आते हैं, परिसंघ को लेकर आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर आते हैं और भी कई चीज़ों को लेकर आते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ का जवाब उनको देते हुए सामने वाले को भी कोशिश करती हूँ कि वो पॉजिटिव सोचे। परेशानियाँ, जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ते जाना है जीवन, अगर जीवन में परेशानियाँ नहीं आई तो वो ज़िंदगी नहीं, मेरा मानना ये है। मैडम, क्या आप राजनीति में भी जाना पसंद करेंगे, जैसे कि आप समाज सेवा कर रही हैं और महिला प्रकोष्ठ के यहाँ वो कन्वीनियर हैं, और क्या आप चाहती हैं कि मैं भी एक राजनीति में आऊँ? राजनीति, ये सवाल मेरे से काफ़ी लोगों ने किया है कि आप राजनीति में जाने के लिए क्या प्रयास है आपका ये, लेकिन अभी मैं, जैसा कि आपको बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर भी, शिक्षिका भी हूँ और मेरी जॉब भी है, लेकिन साथ में जैसे स्कूल टाइम मैं स्कूल में हूँ, तो मैं 1 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ, तो मैं अपना ज़्यादा समय सोशल वर्क में लगाती हूँ। लेकिन अगर आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और मुझे लगा और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी राजनीति में। जी, यस।